वक्त बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। पटना में फतुहा के सोनारू मोड़ के पास बंद पड़े एयरसेल कंपनी के 3 गोदामों में भयानक आग लग गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आग में करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है और ये भयानक आग आप देख रहे हैं। रात के वक्त ये आग लगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मोबाइल सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाला टावर का जो सामान था वो इस आग की चपेट में आया है। आरोप तो ये भी है कि आग की खबर मिलने के 2 घंटे बाद, जी हां 2 घंटे बाद दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची, यानी कि 2 घंटे की देरी से दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसकी वजह से आग ज्यादा फैल गई। पहले एक गोदाम में आग लगी और धीरे धीरे उसने 2 और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। पहले बैटरी में जहां रखे हुए थे जिस गोदाम में, वहां पर आग लगी और आग की लपटें तेज होने के कारण बंद 2 गोदामों तक आगे पहुंच गई। कि देखिए धुआं, धुएं का गुबार ये ऊपर की तरफ उठता हुआ और कितनी भयानक आग देखने में ये लग रही है। हालांकि आग किस वजह से लगी, कारण क्या है, उसका अभी पता नहीं चल पाया है, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर है। जैसे जैसे जांच बढ़ेगी तो पता चलेगा कि आखिर ये आग की वजह क्या है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं। पटना का फतुहा इलाका, सोनारू मोड़ है ये। यहां पर ही एयरसेल कंपनी के 3 गोदाम है जहां पर आग लगी है। पहले एक गोदाम में आग लगी और आग बहुत ज्यादा भयानक थी। धू धू कर जलता हुआ ये पूरा गोदाम, आग की लपटें जरा देखिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।